तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो है 16 तारीख नाइट का। मैं यहाँ पे हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ। यहाँ से घर से सोच के ही मैं पहुँची हूँ कि मुझे यहाँ पे अभी एडमिट होना है और ऑपरेशन कराना है। तो ऑपरेशन के लिए मॉर्निंग में ही जैसे मुझे रेडी किया गया वैसे ही मुझे कोल्ड और कफ हल्का हल्का सा था। तो जैसे ही खांसी आई तो डॉक्टर्स ने सब ने बोला कि ऐसे ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, तो आपको ना नेबुलाइजेशन वगैरह कराना पड़ेगा। तो 2 से 3 बार नेबुलाइजेशन के लिए मुझे भेजा गया। यहाँ से मैं ड्रिप वगैरह लग गई थी, हो सकता है इसलिए भी खांसी बढ़ गई हो। तो ये बस यहाँ पे नेबुलाइजेशन वगैरह चल रहा है शायद इससे खांसी, क्योंकि खांसी और जुकाम के साथ ऑपरेशन नहीं होता है। तो कुछ टाइम तक ये 2 से 3 बार नेबुलाइजेशन हुआ, उसके बाद फिर मुझे ऑपरेशन के लिए बोला गया कि अब आप जाएंगे। तो यहाँ फौजी साहब को बुलाया गया और उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इसको खांसी आ रहा है, कोल्ड की वजह से दिक्कत आ रही है। तो बस वही यहाँ पे उन्होंने बोला कि थोड़ा सा रेस्ट करो, और मेरा तो बीपी भी डाउन हो रहा है, मेरी जो नसें हैं बैंड्स हैं वो थोड़ी वीक हैं। तो ग्रीन वाला जो ऑपरेशन के लिए लगता है ये जो बोलते हैं ना ड्रिप चढ़ाने के लिए, तो वो नहीं लग पा रहा था, उसी में ब्लड चढ़ता है, ब्लड भी कम आया था। तो यहाँ से मैं बस रेडी हो गई, और रेडी हो के यहाँ से गाड़ी जाती है। इसमें जिस दिन का जितने भी लोग ऑपरेशन वाले होते हैं वो जाते हैं ऑपरेशन थिएटर के लिए बाढ़ से। तो यहाँ मैं बाढ़ से जा रही हूँ ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पर उस स्टेट में जितने भी लोग मेरे साथ गए थे सबका ऑपरेशन हो गया है, और थोड़ा रिकवरी रूम में रखते हैं कुछ टाइम के लिए। और ये मैं यहाँ आ गई हूँ, मैं बेहोश हूँ इस टाइम पे, तो मुझे नहीं मालूम है ये, बट सूट कर लिया था, मेरे मासी का बेटा था तो उसने, तो यहाँ से शिफ्ट किया जाता है बाढ़ में। तो यहाँ से ये लेके जा रही हूँ फौजी साहब। यहाँ से कुछ टाइम तक तो पेशेंट को आपको पता ही है कि होश नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे कमेंट कर दिए कि दी क्या हुआ है आपको, क्या हुआ है। तो मैं कोई भी चीज़ सस्पेंस तो रखती नहीं हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया, इससे पहले वाले ब्लॉग में भी आपको बताया कि मुझे यूट्रस में गांठ थी, जो इसका ट्रीटमेंट मैं 2 साल से करा रही थी। उस गांठ में डॉक्टर्स को 90% डाउट था कि वो गांठ कैंसर की है। तो उन्होंने पूना वगैरह सब जगह जहाँ भी उन्होंने जांच करानी थी जांच करा दी थी, सारी जांच नॉर्मल आई। तो वो जो गांठ थी वो नॉर्मल ही गांठ थी, बट वो 15 साल से लगभग 14 साल हो गया, मतलब जब जितना बड़ा मेरा बेटा है, बेटे के बॉर्न के टाइम से वो बन गई थी, और वो गांठ इतनी टाइट हो गई थी। तो उनको ये डाउट था कि कैंसर का, बट ऐसा नहीं था। तो डॉक्टर्स ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ट्यूब भी क्लीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस उसी को फिर ऑपरेट किया, और जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी DHL भी करवाया मैंने, सेकेंड बेबी के लिए भी जो ट्राई करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सब भी ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं डॉक्टर। तो वो सब भी एक साथ ही जो कुछ होना था वो चेक किया, और डाउट भी क्लियर किए कि आगे चल के कहीं ये गांठ फिर से कोई परेशानी ना बने, क्योंकि पहले कम आई थी और दोबारा में 1 साल बाद जब मैंने चेकअप कराया तो वो बड़ी हुई आ रही थी। तो बस ये ऑपरेशन इसी चीज़ के लिए था। नेक्स्ट मेरे को 2 साल से बहुत टेंशन थी कि कहीं ऐसा ना हो डॉक्टर्स का डाउट क्लियर होते होते बहुत टाइम हो जाए और मुझे कोई ऐसी परेशानी हो जाए जिससे मेरा बच्चा अकेला रह जाए। मैं पहले भी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बस ये ऑपरेशन अभी कुछ भी टेंशन नहीं है, भगवान की कृपा है, आप सबकी दुआ है। अभी थोड़ा टाइम और लगेगा रिकवरी में, नहीं तो मैं ये व्लॉग अभी अपलोड नहीं करती। बट बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं कि आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, बट बताने वीडियो अपलोड मैं नहीं कर रही हूँ, आप लोग देखा करो। कुछ दोस्त हैं जो बना लेते हैं, कुछ भाई हैं, कुछ फैमिली वाले हैं जो बना लेते हैं तो वो अपलोड कर देते हैं, कोई एक्सेप्ट कर लेता है। उतना ज़्यादा मैं नहीं कर रही हूँ कुछ भी,
तो ये बनाया किसी ने, एडिट किसी ने किया, बट मैंने कहा कि आप सब इतने परेशान हो रहे हो, इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हो आप सभी, तो मुझे अभी ही अपलोड कर देना चाहिए। तो ये वीडियो मैं बस अभी वॉइस ओवर करके अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ तो वहाँ शूट नहीं हो पाता है, बट आप सब मेरे बहुत चाहने वाले भी हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गलत बोलते हैं, बट बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत प्यार करते हैं, बहुत। मीन्स मैं आपको क्या बताऊँ, अपने जो अकाउंट पे, मेरे अकाउंट में जो 2.5 लाख से भी ऊपर लोग हैं ना, उतने लोगों में मुझे नहीं मालूम कि कितने एक्टिव हैं। इतने लोगों के मैसेज हैं मेरे हस्बैंड ने, ये मेरा चेहरा यहाँ इतना ज़्यादा वाइट हो गया था, हीमोग्लोबिन डाउन हो गया था, 9 रह गया था, तो ब्लड भी चढ़ा, फौजी साहब ने दिया। तो बस ऐसे ही यहाँ से फिर थर्सडे पड़ रहा था, तो मैंने जल्दी छुट्टी करा ली, डिस्चार्ज 2 दिन में ही करवा लिया था, तो 2 दिन रुक के करवा लिया था मैंने। बस घर आ गई, अभी सारी केयर, और आप देख रहे हैं यहाँ पे फौजी साहब भी कर रहे हैं, क्योंकि जो आर्मी के हॉस्पिटल है उनमें किसी को अंदर आना अलाउड नहीं है। आप आ सकते हो, 5-10 मिनट मिल सकते हो, इसलिए मैंने जल्दी डिस्चार्ज कराया ताकि मैं घर सबके पास रह पाऊँ। और यहाँ आप देख रहे हो, ये आकांक्षा दोस्ती है मेरी, आप सब जानते भी होंगे, इंस्टा से यूट्यूब भी यूज़ करती है ये, तो ये आ गई थी मुझे मिलने के लिए। और विदाई कर दो अभी तो उस मौका हम भी चाहते हैं, हमारे घर में जल भैया हम सागरपुर में रहते हैं, बगल में होलसेल इंचार्ज है यहाँ का। बहुत सारे सवाल होते हैं कि वीडियो बना के क्या मिला, ये वो, बहुत कुछ मिला, इतने अच्छे अच्छे दोस्त, और सबसे जो कीमती आप सबकी ब्लेसिंग्स और आप सबका प्यार, इतना प्यार करते हो आप लोग। मैं जब भी कुछ प्रॉब्लम में आती हूँ ना, मैं तब महसूस करती हूँ कि कितनी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, आप सबका कितना प्यार मेरे साथ है। और ये कुछ ऐसे दोस्त जो मतलब पल पल फ़ोन करके पूछते हैं सबका, जब तक मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ तब तक नेहा, नीतू, ये दोनों रेगुलर कॉल करते रहे कि क्या है कैसा है। मैं नहीं फ़ोन उठा पा रही हूँ, मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो फौजी साहब ही उठाते रहे फ़ोन सबका, फिर भी रेगुलर पूछते रहे। तो बस और क्या ही चाहिए यार, जब ऐसे दोस्त मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी आकांक्षा मुझे अपने घर ले आई थी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे ट्रैफिक में दिक्कत आ रही थी, तो रात को 1 बजे के टाइम तक ट्रैफिक कम हो जाएगा। और सरिता भी वहाँ आ गई, तो हम सब वहाँ बैठ के बस कुछ टाइम तक ट्रैफिक का बैठ के और मिल भी लिए, अच्छा लगा। बहुत टाइम से परेशान सी थी, थोड़ा हंसी बोली, बहुत खुशी हुई। तो ऐसे दोस्त भगवान हर जन्म में मुझे दे और सभी को दे। दोस्ती की ज़रूरत बहुत होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम सिर्फ अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, बहुत अच्छे। हमारे जो हस्बैंड हैं उनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छा लगा। और बस यहाँ से जैसे ही ट्रैफिक हमें मालूम पड़ा कि दिल्ली में इस टाइम पे ट्रैफिक कम हो जाता है, अनूप भाई ने और जीजू ने तो बोला, तो उस टाइम से फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तब तक आप लोग इन्जॉय करो। और मैंने इसमें वॉइस ओवर इसलिए कर दिया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको थोड़ा आराम होने पर मिलके हम दोनों, आपके फौजी भाई और मैं, शेयर करेंगे बैठ के। और बहुत जल्द हम फिर से 5 से 7 दिन लगेंगे उसमें, मैं अच्छे से ठीक हो जाऊंगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम है वैसे तो, बहुत पहले से बहुत ज़्यादा आराम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा। बस यहाँ से हम निकल लिए थे, ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी मासी का बेटा जो फौजी साहब के साथ था भाई, उसने जो कुछ भी शूट किया है मैं बस वही आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि ना तो फौजी साहब ही बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग उनको भी आती है, और ना ही मेरे पास कोई स्पेशली
एडिटर है, मेरा भाई था, बस उसी ने जो कुछ शूट किया मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसा कुछ भी उसने कर पाया। और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि थोड़ी सी पेशेंस रखा करो आप लोग, वीडियोस में उल्टा सीधा कमेंट करना स्टार्ट कर देते हो आप लोग, थोड़ा सा टाइम दो। और सारी चीज़ें तो मैं इन एडवांस आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आपको जो वेल विशर्स हैं, मतलब जो पसंद करते हैं, वेल विशर्स बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ लोग जो चंद लोग 2-4 जो गलत कमेंट करते हैं वो अच्छा नहीं लगता है, आपको नहीं पसंद है, आप मत देखो। दोस्त हैं तो वो भी आएंगे मिलने, वो भी वीडियो डालेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप केवल वीडियो डाल रहे हो, बता नहीं रहे हो। अब इतनी सारी चीज़ें, 15 मिनट की जो चीज़ें आप लोगों को, सबको रिप्लाई कैसे कर सकते हैं? जो चीज़ें 15 मिनट में मैं बता पा रही हूँ, आवाज़ से आपको समझ ही आ रहा होगा कि अभी प्रॉब्लम में हूँ, तो थोड़ा सा आराम होने से मैं सब कुछ बताऊँगी। और जो कुछ भी है मैंने शेयर ही कर दिया। और सबसे जो अच्छी चीज़ है कि मैं अब सारी परेशानियों से फ्री हो गई हूँ। मुझे जो टेंशन थी 2 साल से, क्योंकि टेंशन बहुत बुरी चीज़ होती है, मेरी हालत कैसी हो रही थी वो मैं ही जानती थी, कभी हंसना कभी रोना, तो बस यहाँ से ये लास्ट मैंने सब कुछ आपको बता दिया इस वीडियो में ही। और मैं यहाँ घर आ गई हूँ, घर पहुँची थी मैं मॉर्निंग में, क्योंकि रात को बहुत धीमे धीमे फौजी साहब गाड़ी लेके आए, रास्ते में चाय वगैरह भी पिलाई, ज़्यादा मेरे से जो ट्रैफिक में दिक्कत आ रही थी इसलिए बहुत स्लो लेके आए गाड़ी। तो यहाँ पे बस मेरी सिस्टर, जो मेरे, इसके लिए तो मैं क्या बोलूँ, ये मेरी जान है, जिस दिन मैं गई थी, माँ के बाद एक बहन सबके पास होनी चाहिए, बस इतना ही बोलूँगी, एक बहन सबको देना भगवान, क्योंकि ये जो मेरे लिए करती है ना, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द ही नहीं है मेरे पास। तो इस ब्लॉग को यही एंड करूँगी, एंड फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी।